रियल इस्टेट में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है आते हुए, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल राठौड़ जी। आपके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मैनेज करना कितना आसान होगा, और अब क्योंकि इलेक्शन है तो नई गवर्नमेंट भी बनेगी, शायद उसके पॉलिसीज अलग रहेंगे, तो हो सकता है सब कुछ चेंज भी हो जावे। राइट, समझो हम लोग अगर कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो उसके लिए आर्किटेक्ट प्लान लेना पड़ता है, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट लेना पड़ता है। आर्किटेक्ट ही हम लोगों को पूरा डिटेल्स देते हैं कि हम लोगों को कौन सा परमिशन इसमें लेना है, क्या लेना है, किस कौन से डिपार्टमेंट तक हमको जाना है, तो वो हमको पूरा रास्ता बताते हैं और प्लान भी वही देते हैं कि इसमें ये प्लान के हिसाब से जाएंगे तो हमको इजीली परमिशन इसमें मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के जो डिजिटल युग में ये जो पॉलिसी वगैरह का कोई तकलीफ किसी को होगा करके। वेलकम टू रियल इस्टेट का रियल ज्ञान विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश अलवानी। रियल इस्टेट में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है आते हुए, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल राठौड़ जी। अतुल जी मतलब डॉक्टर जी मैं बोलूँगा कि कहाँ ना कहाँ पे रियल इस्टेट में डॉक्टर का ही काम किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है क्लाइंट्स को, डेवलपर्स को, और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और बोलते हैं ना बीमारी ढूंढने का काम है रियल इस्टेट एजेंट का। तो वो कहाँ ना कहाँ पे अपने आप में ही एक बोलते ना डॉक्टर बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आप तो डॉक्टर होके आप रियल इस्टेट में आए। तो मेरे को ये जर्नी आपकी जाननी है कि एक तो आप डॉक्टर किस फील्ड में हैं, और डॉक्टर होने के बाद रियल इस्टेट क्यों आपने सिलेक्ट किया? पहले तो मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अतुल तारा सिंह राठौड़ है, और मेरा जो डॉक्टरेट जो हुआ है, मैं नेचुरोपैथी में मेरा डॉक्टरेट हुआ है, निसर्ग उपचार, मैं मराठी में अच्छे से बोल सकता हूँ, निसर्ग उपचार तज्ञ यानी आहार तज्ञ। तो मैंने नेचुरोपैथी में जब किया था तो उसके पीछे का भी एक स्टोरी है कि मेरे को डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि ऑपरेशन के लिए आपको बहुत खर्चा लगेगा, और उस टाइम पे मेरा फैमिली कंडीशन नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था कि मैं ऑपरेशन करूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो मैंने नेचुरोपैथी की तरफ मेरा मूड किया और उसमें स्टडी किया, और उससे आज मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ सिर्फ नेचुरोपैथी के भरोसे पर। और नेचुरोपैथी में इतना, अगर नेचुरोपैथी में से पूरी पैथिया का अगर निर्माण हुआ है तो नेचुरोपैथी क्यों पीछे है, इसमें भी मैंने बहुत स्टडी किया। देन मैंने एकदम, आप घर बैठे नेचुरोपैथी सेंटर का आप अनुभव ले सकते हो, आपका जो आपको जो पीड़ाएं हो रही है वो दूर कर सकते हो, जो आपको तकलीफ है दूर कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो ऐसा मैंने पूरा एक स्टडी करके एक मटेरियल बनाया हुआ है, और नेचुरोपैथी में मैंने नियर अबाउट 17,000 पेशेंट्स बाय प्रूफ मैंने ठीक किए हैं, क्रॉनिक डिसीज़, कैंसर जैसे, डायबिटीज जैसे, जॉइंट्स पेन, स्किन रिलेटेड जैसे एमिनिया करके जो ब्लड की बीमारी रहती है, ऐसी बीमारियों को ठीक किया है। मेरा अभी ये रूट जो करीबन 6-7 साल का चला ऑलरेडी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, राजस्थान, इस जहाँ से लोग मेरे पास में आते थे। और मेरे साथ में भी एक ऐसा हादसा हुआ कि एक बार एक न्यू बॉर्न बेबी 8-9 दिन का था, और वो लेडी का उम्र नियर अबाउट 21-22 साल थी, और कर्नाटक से आए थे, मेरे पैर पे बच्चा रख दिया और बोला कि आप भगवान हो, बचाओ। तब मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि, क्योंकि उनको एम्स में से भी रिटर्न भेज दिया था कि ये अभी बचेगी नहीं, 15-20 दिन ही बचेंगे, क्योंकि उनको आतड़ियों का कैंसर था, तो कुछ अंदर जाता ही नहीं था, तड़प रही थी। तो उस टाइम मेरे को फीलिंग हुआ इसके लिए, फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी अपने को इधर रुकना है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अभी दूसरा कौन सा सेगमेंट है जिसमें अपन अच्छे से काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि रियल इस्टेट अच्छा है, वहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं हम लोग, और एक प्रोफेशनल काम है। तो मैंने 2007-08 में मैंने फिर रियल इस्टेट में काम चालू किया। उसके पहले मेरा रियल इस्टेट, मैंने 1996 में मेरे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक 8-10 एकड़ का हमने प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट किया था, उसका रेट हम लोगों ने 10 रुपया पर स्क्वायर फीट उस टाइम पे बेचा था हमने। बट साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं ना, जो गर्भमान रहते हैं वो बोलते हैं आपका लिक्विड जो रहता है ना, लिक्विड हो गया या ऐसे, इसमें मेरे को ग्रोथ नहीं थी इसके लिए। फिर उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे बोला था कि आपको पैसा मिलेगा तो जमीन से ही मिलेगा, मट्टी से ही मिलेगा। तो वापस मैं ऑटोमेटिकली आ गया, रेती सीमेंट में आ गया। सर अभी ऐसा है कि
मतलब मैं तो आपको रियल इस्टेट का डॉक्टर बोलूँगा मैं, तो आपकी रियल इस्टेट की जर्नी कब कैसे चालू हुई और कहाँ ना कहाँ पे डॉक्टर अपना फ़र्ज़ निभाता है और उसी तरह मेरे को लगता है कि रियल इस्टेट कंसल्टेंट भी अपना फ़र्ज़ निभाता है, तो क्या आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है? और जैसे आपने नेचुरोपैथी, तो ये पैसे से ज़्यादा बोलते ना कि भला करने वाला जब आपके दिमाग में होता है तो आप करते हो, तो आपने रियल इस्टेट में ऐसे भले किए क्या? क्योंकि आज के तारीख में पैसे के अलावा आदमी कुछ सोचता नहीं है, राइट? बट क्योंकि आप वो बैकग्राउंड से आए हो, तो आपने ऐसा कुछ रियल इस्टेट में किया है क्या? एक्चुअली रियल इस्टेट में मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था स्टार्टिंग का, कि बिल्डर्स लोग जो कमिटमेंट करते थे वो डिलीवर नहीं करते थे ऐसे टाइम पे, जो उनके सेल्समैन पर्सन रहते थे उनके ऊपर पूरा ब्लेम होता था, अरे तुम आप लोगों ने ये बताया था, आप लोग वॉल कंपाउंड करने वाले थे, आप लोग ये देने वाले थे, वो देने वाले थे, बिल्डर अपना पैसा निकल के निकल जाता था। तो उस टाइम पे मैं ऐसा सोचता था कि मेरा जिस दिन कंपनी होगा ना, मेरा कंपनी का नाम जो डायसान ग्रुप ऑफ कंपनीज है, डायसान, डायसान बोले तो इस दुनिया में सबसे सच्चे लोग, ईमानदार लोग, सबसे होशियार लोग और सबसे अनुभवी लोग, ऐसे लोगों के ग्रुप को डायसान बोला जाता है। ओके, इसलिए मैंने वो नाम रखा है कि मेरा जब भी बड़ा कंपनी जब भी बनेगा आज से 2-3 साल के बाद, तो वो कंपनी के नाम के हिसाब से ही मैं लोगों को डिलीवर करूँगा। ये मैंने जब मेरा रियल इस्टेट में आने से पहले का मेरा ये सोच था कि मेरे को मेरे जो क्लाइंट्स रहेंगे उनका हर तकलीफ दूर करने का मेरे को मुआवजा मिलता है, वही हिसाब से मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ क्या, वो सोच के ही मैं उनके साथ काम करता हूँ। उन्होंने समझो मुझे एक प्रॉब्लम बोला तो मैं उनको 10 प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता था, और सोल्यूशन उसके ऊपर काम कैसा करने का, इजीली उनको कैसा पड़ सकता है, ये सब चीज़ें मैं उनको समझाता था कि भाई आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हिसाब से भी आप करवा सकते काम, इतना ईजी समझा के रखता था मैं, ताकि आप मेरे को ही काम दो, ऐसा मैं मेरा इंसेंट मेरा ये नहीं रहता, माइंडसेट नहीं रहता था कि भाई ये काम मुझे मिलना चाहिए या उन्होंने मुझसे लेना चाहिए, ये कभी नहीं। जैसा डॉक्टर का एक ओपन माइंडेड रहता है कि नहीं बाबा मेरा इंटेंशन है कि मेरा पेशेंट ठीक होना, यही एक मेरा इंटेंशन रहता है, वैसा ही मेरे क्लाइंट का प्रॉब्लम में से बाहर कैसा निकल सकता है, वही मेरा सोच हमेशा रहता है। इसके वजह से आज मार्केट में नियर अबाउट 12-13 साल हो गए मैं वागले स्टेट में एज अ कमर्शियल 1 पॉइंट सोल्यूशन में काम कर रहा हूँ। रिपीटेशन कस्टमर मेरे पास आते हैं, ऐसे कुछ कस्टमर है कि उनके पास डायरेक्ट भी कुछ लोग जाते हैं तो वो बोलते कि नहीं भैया हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है डॉक्टर अतुल राठौड़, उनसे बात करो, वो जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल है, ये यहाँ तक बोलते। कुछ कुछ लोग तो कभी आज तक ऐसे 8-10 क्लाइंट है जिन्होंने आज तक उनका पेपर भी नहीं लिखे गए ओरिजिनल, ये मैंने डिलीवर अभी तक दिया हुआ है। इसके आगे और अपने को अच्छे से अच्छे अपने को सर्विस देना है, कमिटमेंट देना, करते जो हम करते कि ये टाइम पे हम देना है तो वो टाइम पे हम डिलीवर भी देते हैं। सर आप अपना प्रोजेक्ट कब बनाने वाले हो? सर मोस्टली अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अगले 2 साल के अंदर मेरा खुद का प्रोजेक्ट रहेगा सर। चलो बढ़िया, क्योंकि आपने जो एक स्टेटमेंट यूज़ किया कि मैं जब बड़ा ग्रुप बनाऊँगा तो उसमें मेरा कमिटमेंट और मेरी डिलीवरी टाइम पर होगी, तो उससे मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि आप बहुत जल्द अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और टाइमली डिलीवरी का जो आपका सपना है, टाइमली कमिटमेंट फुलफ़िल करने का जो आपका सपना है, वो सपना आपका पूरा हो सके। सर रियल इस्टेट आपने 96 से चालू किया, वो शायद आपको छोड़ा नहीं वो रियल इस्टेट ने आपको, और वापस से आप रियल इस्टेट में आए और रियल इस्टेट में आपको मज़ा भी आ रहा है, आप आगे उसमें तरक्की भी देख रहे हो, डेवलपर प्लान कर रहे हो बनने का, बट कहाँ ना कहाँ पे मेरे को लगता है कि कमिटमेंट और ये सब के अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो इतनी आसान नहीं है। रियल इस्टेट में डेवलपर बनना मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो डेवलपर बन सको, तकलीफ़ें हैं हर एक सेक्टर में तकलीफ है, बट रियल इस्टेट में और भी ज़्यादा है, क्योंकि 100-100 करोड़, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का एक सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्लांट लगाती है तो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ का प्लांट लगता है, वो उसका लाइफ साइकिल 25 साल का है और उसमें 3,000 करोड़ का काम होता है। ये तो एक सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग 2 साल का काम है, वो भी 200-300 करोड़ का है, और उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 होता है तो करोड़ों का आगे पीछे नुकसान हो जाता है। तो आपके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मैनेज करना कितना आसान होगा, और अब क्योंकि इलेक्शन है तो नई गवर्नमेंट भी बनेगी, शायद उसके पॉलिसीज़ अलग रहेंगे, तो हो सकता है सब कुछ चेंज भी हो जावे, राइट? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके आपके क्या विचार हैं और आपका कितना उसमें
रहेगा कि मैं ये चीज़ को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को तो मैं तो इजीली मैनेज कर सकता हूँ। नहीं, आपने जो पूछा कि गवर्नमेंट पॉलिसी और मैं जब खुद डेवलप करूँगा, ऑलरेडी आपको मेरा एक दूसरा मैंने बताया नहीं, मैं रीडेवलपमेंट कंसल्टिंग भी करता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी करता हूँ, और इसके लिए भी पिछले 4-5 साल से मेरे पास में आ रहे हैं। 2018-19 में हम लोगों ने एक मुलुंड का प्रोजेक्ट किया था, रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने, उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसा परमिशंस वगैरह रहता है, DCR का परमिशंस, आर्किटेक्चर लोगों से फिजिबिलिटी रिपोर्ट सब निकालना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया हुआ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह है, अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट अगर क्लियर है तो आपका परमिशंस लेने के लिए किधर ही तकलीफ नहीं जाता है, क्योंकि इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, समझो हम लोग अगर कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो उसके लिए आर्किटेक्ट प्लान लेना पड़ता है, स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट लेना पड़ता है, आर्किटेक्ट ही हम लोगों को पूरा डिटेल्स देते हैं कि हम लोगों को कौन सा परमिशन इसमें लेना है, क्या लेना है, किस कौन से डिपार्टमेंट तक हमको जाना है, तो वो हमको पूरा रास्ता बताते हैं और प्लान भी वही देते हैं कि इसमें ये प्लान के हिसाब से जाएंगे तो हमको इजीली परमिशन इसमें मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के जो डिजिटल युग में ये जो पॉलिसी वगैरह का कोई तकलीफ किसी को होगा करके। आज के तारीख में भी काफ़ी सारे डेवलपर हैं जिनका परमिशंस डिले हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से परमिशंस डिले हो जाता है, और प्रोजेक्ट कहाँ ना कहाँ पर 2-2 साल 3-3 साल डिले हो जाता है। मतलब थाना में आप क्लोजली काम कर रहे हो तो अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है थाना में जो फॉरेस्ट में अटक गए थे, मुलुंड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है जो फॉरेस्ट में अटक गए थे, और उनका जो डिले हुआ है कोई कोई प्रोजेक्ट का तो 10-10 साल डिले चला है। और ये पूरा जो बोलते हैं ना कि नुकसान है, इकोनॉमी का भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं आता है उतना, बट जो लोगों ने बुकिंग की थी उसका बहुत बड़ा नुकसान है, और डेवलपर का पॉकेट तो बहुत बुरी तरह बोलते हैं ना कि इतना बड़ा होल है, मतलब बहुत बार तो प्रोजेक्ट रिवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। आपको अभी इसमें का सच एक बात बताता हूँ सर, अभी मैं वागले स्टेट में कमर्शियल का जो काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी ये छोटे छोटे जो MIDC के जो कंप्लाइंसेस है उसके लिए बहुत तकलीफ जाती है, उनको लगता है क्या हरासमेंट है, हम लोगों ने करोड़ों का प्रॉपर्टी लिया और मुझे हर 3 साल के बाद उसको अपडेट देना है, बताना है, ये सब चीज़ें करना है, तो यार क्यों हम इसमें ले। तो ऐसे सिचुएशन को अगर गवर्नमेंट को अवॉइड करना क्या होगा ना सर, गवर्नमेंट ने इसमें वन विंडो सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल जोन में अगर ये IT पार्क्स वगैरह सब बना रहे तो वहाँ पे सब लोगों का डिमांड भी वही है, बट आगे कोई आता नहीं क्योंकि दे आर कॉरपोरेट कंपनीज के लोग है, बोलते हैं यार हम लोग इधर आवाज़ उठाएंगे तो हमारा बोरिया इस तरह गोल कर देंगे गवर्नमेंट वाले लोग, तो वो भी डर उनके दिलों में रहता है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं। बट एज अ आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं खुद एक खुद का बिजनेस है मेरा, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा बिजनेस बैठ भी गया या मेरे को उधर से कुछ भी किया तो मेरे को कोई डर नहीं, इसके लिए मैं हर टाइम हमारे सब क्लाइंट्स लोगों को मैं अवेयर करते रहता हूँ कि सर अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आवाज़ उठाएंगे तो मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करने का डिसीजन ले सकती है, ओनली फॉर दी आपका ज़रूरत तो दिखना चाहिए कि हाँ आपको तकलीफ है, आप तकलीफ़ नहीं दिखाओगे तो फिर कुछ आगे गवर्नमेंट भी सोच रही चल रहा है चलने। तो मेरे को लगता है आप रियल इस्टेट में क्रांति लाओगे सर। एक्चुअली क्या है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने डॉक्टर का फ़र्ज पूरा करना चाहिए, वो इस सबसे ही मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे अभी प्रॉपर्टी डॉक्टर करके ही बुलाते हैं तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। MIDC और लीगल जो रहता है तकलीफ तो देता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज, बट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग का जितना प्रोजेक्ट रहता है ना, वो सेकंड अगर पार्ट अगर उसका देखा जाए ना तो उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट भी कभी कर नहीं सकता है। वो भी एक सिस्टम बहुत स्ट्रांग उन्होंने बना के रखा है कि समझो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी तो वहाँ पर दूसरा कोई आके अपना नाम इजीली नहीं चढ़ा सकता है, जितना इजी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कर सकता है। ये भी एक उसका अपना प्लस पॉइंट है। हाँ, जैसे MMRDA, MIDC ये सब जो लैंड है इसका इंक्रोचमेंट और इस पर लिटिगेशन नहीं होता, तो क्लाइंट भी बहुत बोलते ना बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, सेफ गार्ड है उसका इन्वेस्टमेंट। सर ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं आज, ये दिस इज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय भैरव ग्रुप, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनको और आपने उनके प्रोजेक्ट्स में काम भी किया हुआ है, और रिसेंटली उन्होंने भैरव माइलस्टोन लॉन्च किया था जहाँ पे आप विजिट भी करके आए हो, उसको लेके आपका क्या फीडबैक है, और एज अ ग्रुप भैरव मतलब जो विजन है उनका प्रोजेक्ट को लेके जो विजन है
तो वो कैसा है और कंज्यूमर के लिए उधर क्या बेनिफिट है? भैरव ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा कि भैरव ग्रुप इज़ नवी मुंबई में का एकदम नामा जाना नाम है, और मेरा उधर नियर अबाउट आप 2016-17 में मेरा उनसे मुलाकात भी हुआ था, तब से हम कांटेक्ट में हैं। उनके वीपीज वगैरह जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के साथ मेरा मीटिंग हुआ था उधर। मीटिंग हमारा जो हुआ था वो लीगल वर्क के लिए हुआ था, तब से हम कांटेक्ट में हैं उनसे। और तब मैंने उनके बारे में पूरा जानकारी लिया था, उनके जो नवी मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं और एक अच्छा नाम है। जैसे कि उन्होंने जब 2017-18 में थाना में एंट्री किया था, उस टाइम पे भैरव बिल्डर कौन है भाई, पहचानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम उधर से उनका जो एक आइडेंटिटी मिला कि नहीं, दिस इज नॉट अ स्मॉल ग्रुप, इज अ बिग, मुझे जो बोलते हैं ना कि एक जो डेवलपमेंट का एक इसमें के लिस्ट में का एक नामचीन नाम है करके, करेक्ट। तो उनका क्वालिटी भी वर्क अच्छा है, उसके बाद उनका जो एक जो विजन है, जो प्रोडक्ट्स वो डिलीवर कर रहे हैं, रियली वेरी, जैसा एकदम भैरव अगर आपने अगर देखा होगा जो उन्होंने अभी डिलीवर किया हुआ है, उनका जो पैसेज है, उनका जो एरिया वगैरह उन्होंने जो दिया, एकदम बेस्ट दिया है। क्वालिटी वर्क भी है उसमें, तो कोई डाउट ही नहीं है। माइलस्टोन की बात कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग, वहाँ पे जो उन्होंने एम्बियंस जो क्रिएट किया हुआ है वो भी एकदम लाजवाब है। जो कोई भी आके बोलता है, रिसेप्शन पे आता है, एंट्री करता है, तो अरे वाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सबसे मेन है कि उनका जो एंट्री के बाद का जो लिफ्ट का एरिया वगैरह जो एकदम अलग यूनिक दिया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो एक कंज्यूमर के लिए, क्लाइंट के लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी बन जाता है, और आपको सेल करने के लिए उसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाता है उसमें। और वहाँ पे कैसा है सर, कोई भी क्लाइंट का अगर कुछ भी क्वेरी रहता है ना, तो इजीली वो अवेलेबिलिटी रहता है कि उनका जो प्रॉब्लम रहता है या जो क्वेरी रहता है सॉल्व करके देते हैं। टीम वर्क अच्छा है सर। कुछ लोगों ने मेरे को सोशल मीडिया पे, मतलब रिसेंटली मैंने भी उधर विजिट किया था, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरे को ट्रोल किया है, मैसेज भेजे हैं, DM भेजे हैं, और मेरे एक वीडियो पे कमेंट भी किया है कि प्रोजेक्ट का क्वालिटी बहुत ख़राब है, प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ था, और आज भी प्रोजेक्ट का पोजीशन नहीं दिया है भैरव माइलस्टोन का। तो उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? पोजीशन तो उन्होंने ऑन टाइम ही दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें काम किया है, तो पोजीशन उन्होंने ऑन टाइम ही दिया है पोजीशन के बारे। और क्वालिटी वर्क तो ऑलरेडी क्या है सर, पता है क्या, जब हाथी रोड से जाता है ना तो कुत्ते भूखते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या है, आप लोगों ने डिलीवर किया हुआ है, कस्टमर सेटिस्फाइड है आपसे, एक एक फ्लोर पे कम से कम आपके पास 300-400 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं आज के डेट में। उनको अभी बहुत सारे लोगों ने, मैंने ऑलरेडी कल परसों ही एक क्लाइंट का विजिट करवाया, बोले अरे अतुल नीचे डिलीवरी हो गया, अभी ऊपर काम करेंगे कैसा करेंगे। मैंने बोला सर ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जापनीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बोला नीचे के लोगों को पता भी नहीं चलेगा ऊपर, और 14 माले खड़े कर देने के बाद में भी। तो बोला आप बिंदा उसका टेंशन मत लो बोला। तो आप कब डील फाइनल कर रहे हैं भैरव माइल सर? मोस्टली ये मंथ एंड तक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने भैरव का उनको ये सजेशन किया हुआ है कि, मैंने बोला सर देखो भैरव अभी हम लोगों को कैसा मिल रहा है मालूम है क्या, अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है और रेडी टू मूव भी मिल रहा है। क्योंकि हमको प्लेन टाइम, जिसके लिए टाइम लगता है करीबन 6 महीना 7 महीना, वो तो चला गया। अभी मुझे सीधा प्लेन खड़ा करना है और दीवार खड़ा करना है, उसके लिए टाइम नहीं लगेगा। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट रेडी टू मूव में मिल रहा है बोला। तो हिसाब से वो मेरा एक प्लस पॉइंट है कि जिनको 2-3 साल वेट नहीं करना है, 1 साल या 1.5 साल में उनको डिलीवरी में भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। हमारे साथ थे आज प्रॉपर्टी डॉक्टर डॉक्टर अतुल जी, और आपके पास भी अगर कोई है जिनको प्रॉपर्टी लेना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डॉक्टर अतुल जी, और उनका मैं डिटेल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। हमारे ऑफ द रिकॉर्ड वीडियोस में हम बात करेंगे थोड़ा आपका जो सेशन था और जो एक्सपीरियंस था नेचुरोपैथी को लेके, और उस मतलब बोलते ना कि वो एक आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्दी लाइफ जीना बहुत इम्पोर्टेंट है,
पैसे के पीछे भागना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हेल्थ है तो वेल्थ अपने आप आएगी 100%. और कहाँ ना कहाँ पे मैं वो ज़िंदगी को जी रहा हूँ आज बहुत टाइम के बाद. तो आई मीन आफ्टर दिस एपिसोड वुड लाइक टू सिट एंड डिस्कस. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्रॉप ज्ञानी गिरीश जलवानी.